तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने जो आग्नेय शैल था उसका पूरा प्रकार जाना है, और आग्नेय शैल जो प्रकार से उसका रासायनिक और बाहरी और आंतरिक उसका मैं विश्लेषण कर दिया विस्तृत रूप में। अब मैं आग्नेय शैल में ग्रेनाइट चट्टान था उसके बारे में और बेसाल्ट था इसका विस्तृत बता दे रहा हूँ, विवरण कर दे रहा हूँ इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं ग्रेनाइट क्या होता है। ग्रेनाइट चट्टान का निर्माण धरातल से काफी गहराई पर होता है, मतलब ये धरातल के बहुत नीचे होता है, अतः मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से कणों की बनावट ठीक तरह से होती है। मतलब जब मैग्मा ठंडा होता तो कणों की जो बनावट होती है बहुत ठीक तरह से होती है, तथा उनका आकार बड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़ा बड़ा। इसी कारण रवेदार ग्रेनाइट को मोटे एवं बड़े कणों वाली ग्रेनाइट या आग्नेय शैल भी कहते हैं। ठीक है, इसी को जब मोटे कणों वाली होती हैं, मोटे एवं बड़े होते हैं जब ये, इसी को हम आग्नेय शैल कहते हैं। ग्रेनाइट का निर्माण मुख्य रूप से क्वार्ट्ज या आर्थोक्लास नामक खनिज से होता है। ये खनिज का नाम है आर्थोक्लास या क्वार्ट्ज इसी से होता है, परंतु फेल्सपार खनिज सबसे अधिक पाया जाता है इसमें। कभी कभी खनिजों का वितरण लगभग समान होता है तथा सभी आकार एक सा होता है। ठीक है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जब ग्रेनाइट का निर्माण होता है तो जो खनिज होते हैं उनका जो विस्तार होता है, वितरण होता है, इसमें लगभग समान एक रूप में ही होता है। ठीक है, और ये सभी आकार एक सा होता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें फेल्सपार खनिज सबसे अधिक पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे ग्रेनाइट का जो निर्माण होता है क्वार्ट्ज और आर्थोक्लास से होता है। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण खनिज क्वार्ट्ज क्वार्ट्ज होता है। इसके अलावा अभ्रक, अलवाइट, बायोटाइट, अनब्लेंड तथा मास्कोवाइट खनिज भी ग्रेनाइट चट्टान में पाए जाते हैं। ठीक है, ग्रेनाइट ग्रेनाइट समूह के मतलब ये इतने प्रकार के जो जो चट्टान है, जो तत्व हैं। ठीक है, ये जो तत्व हैं ये मास्कोवाइट या अलवाइट या बायोटाइट या अनब्लेंड, ये ग्रेनाइट के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान दूसरे रूप में योगदान देते हैं। ग्रेनाइट समूह के अंतर्गत कई चट्टानें सम्मिलित की जाती हैं, जिसका अंतर उसकी बनावट खनिजों के आधार पर किया जाता है। मतलब जो बनावट है और उसकी खनिज कौन सी पाई जाती है, इसके अंतर्गत चट्टानों को जो समूह होता है ग्रेनाइट का उसको सम्मिलित किया जाता है। जब ग्रेनाइट में गौण अथवा अतिरिक्त ठीक है खनिज अनब्लेंड की अधिकता होती है, मतलब ज़्यादा अनब्लेंड की अतिरिक्तता जब होती है तो अनब्लेंड ग्रेनाइट कहते हैं उसे। ठीक है, रायोलाइट, प्यूमिस प्यूमिस ऑब्सीडियन तथा पिचस्टोन ग्रेनाइट समूह की मुख्य चट्टानें हैं। रासायनिक बनावट के दृष्टिकोण से ग्रेनाइट अम्ल प्रधान आग्नेय शैल होती है, मतलब इसमें अम्ल की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है, जिसमें सिलिका की मात्रा 35% से 85% तक होती है तथा घनत्व 2.75 से लेकर 2.8 तक होता है। ग्रेनाइट शैल में खनिजों का प्रतिशत, जो ग्रेनाइट शैल होता है उसमें खनिजों का प्रतिशत क्वार्ट्ज 31.3% पाया जाता है, फेल्सपार 52.3%, मतलब सबसे ज़्यादा फेल्सपार पाया जाता है 52.3%, अभ्रक 11.5%, हार्नब्लेंड 2.4%, लोहा 2.0% और अन्य खनिज होता है 0.5511, 511% पाया जाता है 0. ठीक है, तो ये था आपका ग्रेनाइट चट्टान के बारे में। अब जान लेते हैं बेसाल्ट चट्टान के बारे में, जो बेसाल्ट क्या होता है, बेसाल्ट किसे कहते हैं। बेसाल्ट बारीक कणों वाली वह आग्नेय शैल है, मतलब बेसाल्ट जो होता है बहुत छोटी कणों वाली बाह्य आग्नेय शैल है, जिसका जमाव धरातल के ऊपर ज्वालामुखी के उद्गार के समय होता है। ठीक है, बेसाल्ट देखिए, अब यहाँ कंफ्यूजन आपका होगा बेसाल्ट कहाँ पाया जाता है, तो ऊपर पाया जाता है धरातल के ऊपर। ठीक है, यह धरा छोटे छोटे कणों में पाया जाता है बेसाल्ट, ज्वालामुखी के उद्गार के समय इसका निर्माण होता है। जब लावा का जमाव एक ठोस रूप से गिरता से हो गया तो कणों का अभाव हो गया, यही कारण है कि कुछ बेसाल्ट चट्टाने में कण नहीं मिलते हैं। कुछ बेसाल्ट कण चट्टाने ऐसे होते हैं जिसमें कण नहीं होते, कुछ तरह की बेसाल्ट चट्टान होती है, ऐसी चट्टानों को ग्लासी बेसाल्ट कहते हैं। ठीक है, जब इनके जमा में कुछ कुछ समय मिल गया तो कुछ बारीक कण की रचना संभव हो गई, मतलब जब इसका जमा होता थोड़ा समय अगर मिल जाता है तो उनमें कणों की रचना हो जाती है, लेकिन अगर समय नहीं मिलता तो उसमें कणों की रचना नहीं होती है। इन्हें अफिनेटिक बेसाल्ट कहते हैं, जब कणों की रचना होती है उससे हम अफिनेटिक बेसाल्ट कहते हैं, जब कणों की रचना नहीं होती है तो हम उसे ग्लासी या बिना कण वाले बेसाल्ट कहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय ही पिघले लावा के अंदर, मतलब
कुछ कभी कभी ऐसा होता है किसी समय कि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है उसी समय पिघले लावा के अंदर कुछ बड़े कणों की रचना हो जाती है। उसमें जब लावा पिघलता तभी उसमें कणों की एक रचना हो जाती है बड़े बड़े। जब ये बाहर आते तो उनके चारों तरफ महीन कण वाली चट्टान का जमा हो जाता है। जो बड़े बड़े जब ज्वालामुखी उद्गार के समय यही ठीक है बड़े बड़े जब कण उसमें रचना हो जाती है तब ये बाहर आते हैं वो कण, तो उनके करीब इर्द गिर्द छोटे छोटे कण जो होते हैं उस वो मतलब उसको अपने उसको करीब कर लेते हैं, उसके करीब चले जाते हैं। चारों तरफ उसको छोटे छोटे कण की चट्टान का जमा हो जाता है जो बड़े बड़े कण होते हैं। इस प्रकार तो विभिन्न समय एवं स्थान में ठंडा होने के कारण बड़ी शैल को मिश्रित कणों वाली बेसाल्ट कहते हैं। ठीक है, मतलब जो जो बड़ा कण और छोटा कण से मिलकर बनता है ठीक है, तो उसे हम मिश्रित बेसाल्ट कहते हैं। जिनमें कण नहीं होता है उसको गलासी या कणहीन बेसाल्ट कहते हैं, जिसमें कण होता है उसे अफनेटिक बेसाल्ट कहते हैं। तो ये आपको कन्फ्यूजन अगर होगा तो ये दूर कर लीजिएगा, मैंने इस वीडियो में इसको बता दिया डिटेल में। ठीक है, अब जान लेते हैं बेसाल्ट की रासायनिक संरचना में सिलिका की मात्रा कितनी होती है। 45 से 65% होती है सिलिका की मात्रा बेसाल्ट की रासायनिक संरचना में। यह चट्टान भारी होता है, बेसाल्ट की ये चट्टानें भारी होती हैं परंतु कठोर की दृष्टि से मुलायम होती है। मतलब ये कठोर नहीं होता, मुलायम होता है बेसाल्ट, तथा इसका विखंडन बड़ी आसानी से मतलब बहुत जल्दी टूट जाता है बहुत आसानी तरीके से। इसमें लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है, मतलब इसमें लोहा बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें 45 से 65% अगर सिलिका है तो, जिस कारण बेसाल्ट का रंग काफी गहरा होता है। ठीक है, काफी गहरा होता है। कभी कभी लावा का विस्तृत प्रवाह ठंडा होने से सिकुड़न पड़ जाने से कुछ बेसाल्ट चट्टान में बहुभुज के आकार के बीदर पड़ जाते हैं, क्रेक पड़ जाते हैं। जब क्या होता है कभी कभी जब लावा विस्तृत प्रवाह मतलब बहुत ज्यादा फैल रहा होता है प्रवाह क्या करता है, तो सिकुड़न पड़ जाने से जब उसमें सिकुड़न मतलब जब उस ठंडा को सिकुड़ने लगता है तो कुछ बेसाल्ट चट्टान में बहुभुज के आकार मतलब बहुत सारे बाज मतलब एक हाथ के रूप में मतलब नहीं, मान लीजिए कोई मिट्टी है उसमें एक क्रेक पड़ जाए इधर उधर इधर चारों तरफ में। ठीक है, तो बेसाल्ट चट्टान में फेल्सपार सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगर ऐसा क्रेक पड़ता है तो फेल्सपार जो होता है वो 46.2% पाया जाता है। इसके अलावा अजाइट हार्नब्लेंड के साथ मिलकर हुआ एक प्रकार का खनिज है, जो अजाइट है हान ब्लेड के साथ मिलकर हुआ एक प्रकार का खनिज, जो 36.9% और ओलबिन जो होता है 7.6% का खनिज यम खनिज तथा खनिज लाह लोहा जो होता है 9.5% तथा अन्य खनिज होता 2.4% तक पाए जाते हैं। ठीक है, ये जो बीदक करेक मैं बताया हूँ ये जो होता है आपका टोटली जो बीदक करेक पड़ता है बहुभुज के आकार में एकदम क्रैक के रूप में पड़ जाता है। मान लीजिए कोई भी बेसाल्ट कण की चट्टान है उसका फैलाव हो रहा है। ठीक है, लावा जब बेसिस होता तब वो फैलता है तो उसमें क्रैक पड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें जो चट्टान है उस क्रम की पाए तो जो क्रैक पड़ता है उसमें बेसाल्ट चट्टान में फेल्सपार सबसे अधिक। देखिए बेसाल्ट में जो सबसे अधिक कौन सी चट्टान पाई जाती है लिख लीजिए आप लोग जान लीजिए। सबसे अधिक मैं बता दिया हूँ 46.2 ये दोबारा बता रहा हूँ % पाया जाता है। फिर से इसके अलावा आयजाइट जो हनबल के साथ मिलकर बनता है वो 36.9% पाया जाता है। ओलबिन 7.6 उसके बाद से लोहा जो होता है इसमें पाया जाता है 9.5% लोहा बेसाल्ट में पाया जाता है और अन्य जो खनिज तत्व होते हैं 2.4% पाए जाते हैं। तो ये आपका पूरा बेसाल्ट और आपका ग्रेनाइट चट्टान था जिसको मैंने खत्म कर दिया। तो ग्रेनाइट जो होता है धरातल के नीचे पाया जाता है, बड़े बड़े टुकड़ों में, और आग्नेय जो होता है छोटे छोटे कणों में पाया जाता है, ये धरातल के ऊपर पाया जाता है। तो आपको यहाँ कंक्लूजन क्लियर हो गया होगा, अगर कोई परेशानी है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए धन्यवाद।